प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया महानगर गोरखपुर द्वारा रविवार को लोकसभा चुनाव में सांसद प्रत्याशी रहे श्याम नारायण यादव को गोरखपुर जिले का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर बख्शीपुर स्थित एक निजी गेस्ट हाउस पर स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवागत जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नवागत जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव ने कहा कि पार्टी को एक नए सिरे से मजबूत बनाने के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ तन मन से लगकर आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती से दावेदारी करेंगे। इस दौरान गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नवागत जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव ने कहा, श्याम नारायण यादव, देखिए हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारे ऊपर भरोसा किया है, मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर उन्होंने जो भरोसा किया है, उनके भरोसे पर हम लोग कायम रहेंगे और गोरखपुर जनपद में जिला का संगठन और माननीय तवर हुसैन हाजी साहब के नेतृत्व में महानगर का भी संगठन बड़ी मुस्तैदी से हम दोनों भाई मिल करके हमारे पार्टी के महानगर के महामंत्री बृजनाथ मौर्या जी हैं, जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं और सारे लोग जो है धर्मदेव यादव जी हैं, उमापत दुबे जी हैं, चित्रसेन यादव जी हैं, अंगद यादव जी हैं, हमारे राहुल बाबू हैं, विवेक सिंह जी, सारे लोग, महिला किरण लता जी हैं, सारे पार्टी के हमारे लोग, धीरज गुप्ता जी हैं, दुबे जी हैं, प्रवीण भाई हैं, सारे पार्टी के लोग, जितने लोग इकट्ठा हैं सब लोग संकल्प ले लिए हैं कि जब हम पाँच चलेंगे तो कारवां बनता जाएगा और गोरखपुर जनपद में हम दोनों भाई मिल करके हम पार्टी के जितने लोग हैं 25-50 लोग जो हैं मिल करके पार्टी को इतनी मजबूती से ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। हम लोग मुड़ी गिनाने वाले कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ेंगे। जो कार्यकर्ता ऊर्जावान हो, शिवपालवादी हो, पार्टी के नीतियों में विश्वास करता हो, ऐसे लोगों को जोड़ करके 2022 में अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐसा मजबूत बनाएंगे कि बगैर उनकी सरकार नहीं बन पाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पर भरोसा किया, पूर्व में हमें लोकसभा का प्रत्याशी गोरखपुर का बनाया और उन्हें लगा कि हमारे पार्टी का प्रत्याशी ने दम और खम से चुनाव लड़ने का काम किया और भरी महफिल में लखनऊ की मीटिंग में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई गोरखपुर 164 लोकसभा के प्रत्याशी श्याम नारायण यादव ने मुस्तैदी से चुनाव लड़ने का काम किया। ये जरूर था कि चुनाव मोदी को हटाओ और मोदी को लाओ, इस पर चुनाव हुआ, लेकिन हमारे पार्टी के प्रत्याशी ने गोरखपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह चाबी को स्थापित करने का काम किया और श्याम नारायण यादव जी को जिले की कमान दे रहे हैं तो श्याम नारायण यादव जी पर विश्वास है कि श्याम नारायण यादव जी गोरखपुर में एक अच्छा संगठन तैयार करके गोरखपुर में अच्छा काम करने का काम करेंगे और आने वाले 2022 में पार्टी का अच्छा प्रदर्शन कर करके तमाम विधायकों को जिताने का काम करेंगे।